नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गाजर की बर्फी बनाना। मैंने 1 किलो गाजर लिया है, उसको मैंने छील कर काट लिया है। अब इसको मैं मिक्सर में पीस कर पेस्ट तैयार कर लूँगी। अगर ऐसे न पीस जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पेस्ट तैयार करें। चलिए इसका हम पेस्ट तैयार करते हैं। मिक्सी में हम डाल लेंगे। देखिए बढ़िया लाल गाजर है हमारी। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। इसके लिए हमको चाहिए 100 ग्राम खोया, 200 ग्राम चीनी, ये 8 से 10 काजू बादाम मैंने लिए हैं, 4 इलायची, इनको मैं काट के बर्फी को सजाऊंगी। ये बीज इसमें का इलायची का निकाल के इसको डाल देंगे तो इसमें से बर्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर खोया नहीं है तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम पकाएंगे, पानी इसका सुखा कर बिल्कुल भून कर तैयार करेंगे। अभी इसका कलर थोड़ा सा डाउन है, ये जब भून जाएगा, पानी इसका सूख जाएगा तो ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसमें हमको कोई कलर की ज़रूरत नहीं है। अगर मिक्सी में आप नहीं पीसना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और फिर इसको कद्दूकस करके अब फिर ऐसे हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल ही पेस्ट तैयार बन हो जाएगा। ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। देखिए इसका कलर जो है थोड़ा आने लगा है। इसका पानी हमको बिल्कुल सूखा करना है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी अपने स्वाद अनुसार डालें, जैसा मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसको भी पानी सूखने तक हम चलाएंगे। देखिए इलायची के दाने हमने निकाल लिए हैं, इनको हम डाल देंगे। देखिए इसको कलर बिल्कुल रेड हो गया है। देखिए कितना बढ़िया कलर है। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम खोया डालेंगे। ये मैंने घर पे ही खोया बनाया है। देखिए इसका कलर जो है रेड था, ऐसे हो गया है।
अब ये पकने के बाद फिर से रेड हो जाएगा। इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा बर्फी का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। इसके हम पेड़े भी बना सकते हैं, इसको हम जमा भी सकते हैं। हम इसको जमाएंगे। अब बहुत ही आसान है बनाना, आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे। कितना बढ़िया सूखा बिल्कुल है, कलर भी बहुत बढ़िया है। इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, तब इसको जमाएंगे। एक टिफिन लेंगे, उसको हम थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा बर्फी का बैटर भी ठंडा हो चुका है। ऐसे हम फैला लेंगे। ऐसे हम सारा बैटर थोड़ा सा हाथों में घी लगाएंगे, ऐसे फैला लेंगे। गरम है अभी, इसको 2 घंटे के बाद हम आगे पूरा सेट कर लेंगे, 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे। इसको हम सही से फैला लेंगे, पूरे में एक तरफ से बरोबर कर लेंगे। हाथों में हल्का घी लगा लें तभी करें। ऐसे हमारी सेट हो जाएगी। देखिए अब इसमें हम ये जो काजू बादाम है उनको काट लिए हैं, ऊपर से हम सजा देंगे। हमारी बर्फी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। टिफिन से निकाल लिए हैं, अब इसको हम कट कर देंगे पीस में।